सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले एक सप्ताह में देखिए मार्केट किस तरह से चलता रहा। पूरा डर छाया था और हर तरफ नेगेटिव पॉइंट चल रहे थे, फॉरेन मार्केट डाउन, और स्टॉक मार्केट के हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा एक सत्य ये है दोस्तों कि हमें ग्लोबल शॉक्स ज़्यादा लगते हैं। यानी वास्तविक ये रूप है कि हम जो फॉलो कर रहे हैं, मेरे इन शब्दों पे भी आपका विशेष ध्यान हो कि इंडियन स्टॉक मार्केट जो फॉलो करता है वो फॉरेन मार्केट को देख समझ कर ही फॉलो करते हैं। ये एक अपने आप में बड़ा वास्तविक बात है दोस्तों। ये देखा जाता है कि दो जोन्स में क्या चल रहा है। दो जोन्स ये देखता है कि उनके हिसाब से उनके मार्केट में जो नेगेटिव पॉइंट होते हैं तो उसका असर सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज पे होता है। सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से सिंगापुर निफ्टी का असर हमारे इंडियन मार्केट पे पड़ता है दोस्तों। इसे कभी भी आप सिंगापुर निफ्टी को चेक करिए और इंडियन मार्केट के अपने निफ्टी, अपना निफ्टी चेक करिए, लगभग सेम आपको मिलेगा। ये भी एक वास्तविक चीज़ है जो आपसे मैं कहना चाहता हूँ। तो अगर सिंगापुर निफ्टी डाउन है काफ़ी तो यहाँ पर भी आप डाउन ही देखेंगे, और वहाँ अप है तो यहाँ भी अप है। तो अब क्या हो रहा है कि फॉरेन मार्केट पे ज़्यादा असर हुआ तो यहाँ पर भी ज़्यादा असर होगा, क्योंकि हमारे इंडियन इकोनॉमी में तो कोई समस्या हुई नहीं। कोरोना वायरस का विशेष बात तो दूसरे देशों में ज़्यादा रहा, अब धीरे धीरे हमारे देश पर भी असर कर रहा है। लेकिन डर से ज़्यादा यहाँ मार्केट ने ज़्यादा नेगेटिव रिएक्शन किया इस पिछले सप्ताह में। और आप देखते हैं जब डर का बादल मंडराने लगता है तो मार्केट पे क्या असर पड़ता है, और जब डर बिल्कुल नहीं रहा तो मार्केट क्या कर रहा है। आज ही आप देखिए, सुबह इतना डर छाया हुआ था, आज ही के दिन, आज 13 मार्च 2020 के दिन आप सुबह देखिए, इतना भय मार्केट में था कि सभी शेयर बेचने की बात आ गई। और वही लोअर सर्किट जब लगा 3000 के ऊपर पॉइंट डाउन हो चुका था, फिर यानी सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद में आप क्या देख रहे हैं, मार्केट पूर्ण रूप से बदल गया। तो मार्केट का मोड और बात भी से कभी भी चेंज हो सकता है दोस्तों। लेकिन जहाँ तक मैं ये देख रहा हूँ दोस्तों कि मार्च जो महीना है, ये मार्च महीना जरा काफ़ी थोड़ा सा कहीं पॉजिटिव ज़्यादा रहे तो अच्छी बात है, लेकिन नेगेटिव पॉइंट में कुछ ज़्यादा ही देख रहा हूँ। चलिए वो तो आगे की बात है, 31 मार्च के लिए तो अभी भी बहुत दिन बाकी है बस। लेकिन हाँ, इस दौरान सबसे सही बात दोस्तों, कुछ इन्वेस्टर्स ने सामने से अपना इनिशिएटिव दिखाया, उसकी मैं तारीफ करूंगा दोस्तों, कि ये सबसे गोल्डन टाइम है दोस्तों अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस की ओर ध्यान देना। जो इन्वेस्टर जागरूक हैं, जो एकदम अपने आप में एक सही समझते हैं कि ये सबसे गोल्डन टाइम है, जस्ट मैं पर्टिकुलरली बोलना चाहूँगा दोस्तों कि पोर्टफोलियो बनाने का विषय, क्योंकि यही एक राइट टाइम है जहाँ से आपका रेट ऑफ रिटर्न, जब मार्केट में डर है, मार्केट डाउन है, बाद में मार्केट को तो ऊपर आना ही निश्चित है दोस्तों, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन जब यहाँ पर मार्केट डाउन है तो पोर्टफोलियो के लिए अगर आप अग्रसर होते हैं तो ये बहुत ही उत्तम विषय है दोस्तों। और मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा दोस्तों कि आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस लेना चाहिए, जिससे कि आपका इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म के लिए एक सही और सुचारू रूप में वो कार्य करता है धीरे धीरे, और जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट एक भली भांति सही रूप में जाता है। चलिए दोस्तों, ये तो रही इन्वेस्टमेंट की बात। आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा आज खास IRCTC के बारे में। हम देख ही रहे हैं, मुझे याद है मैंने पिछला जो एक टारगेट दिया था लोअर साइड का टारगेट गिवन लास्ट टाइम, इट वॉज ये 1151 का जो था वो लगभग आज टच किया दोस्तों। यानी 9 रुपये का और मेरा और 9 रुपये, 9 रुपीज़ का ही डिफरेंस था। आज का जो इसका लो है IRCTC का 1160 रहा, और 1151 मैंने कहा था पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं, उसका डिटेल उसमें आपके सामने ही है। रही बात आज का, आज मार्केट ने उतार चढ़ाव के बाद जब पॉजिटिव ट्रेंड में शुरू हुआ तो IRCTC भी उस अपने 5% के जो लोअर सर्किट से बाहर निकला। और मैंने पिछली बार भी कहा है दोस्तों, IRCTC की ये खूबी है कि कभी भी अचानक किसी भी दिन और किसी भी समय ये अचानक ऊपर जा सकता है, और वही हुआ भी।
लगभग जब 5% के अपर लोअर सर्किट से बाहर निकला तो दौड़ना शुरू कर दिया उसने भी, तो वो 1200 के ऊपर, 1250 के ऊपर चलने लगा। फिर मार्केट में उतार चढ़ा और प्रॉफिट बुकिंग ये सब रहा। अब प्रश्न ये उठता है कि अब ये भाव का रूप कहाँ जाएगा। दोस्तों जैसे अभी मैंने पहले ही कहा कि मार्च का महीना थोड़ा कठिन महीना चलेगा, ऊपर जाने की संभावनाएं जो शेयर मार्केट का है कम है, गिरने के चांसेस ज्यादा है। तो ये मेरा पर्सनल रीडिंग कर रहा हूं दोस्तों। तो उस हिसाब से मैं ये कहूंगा कि जो ये करंट मार्केट चला है, आज का जो क्लोजिंग है 1227.75, ये आप इस पर ज्यादा खरीदी ना करें। यानी मैं ये कहना चाहूंगा कि अब मंडे भी मार्केट खुलेगा, ये थोड़ा और ऊपर आएगा। जहां तक है कि खरीदी आप जो करें कम और लिमिटेड लेवल पर, क्योंकि क्या है, जब पॉजिटिव ट्रेंड में है तो ये तो चल ही रहा है, नो डाउट। जब तक ये 1400 क्रॉस नहीं करता है दोस्तों, 1400 रुपीज, तब तक ये वीक जोन में ही है। 1400 जिस दिन इसने प्लस कर दिया, उसके आगे चला गया, तब तो अच्छी बात है, सभी के लिए अच्छी बात है। जिन्होंने पहले लिया है या जो ऊपर लिए, वो भी उनके लिए भी अच्छी बात है कि अब प्लस पॉइंट पर आ रहा है मार्केट। लेकिन अगर मार्केट नेगेटिव पॉइंट पर फिर आ गया और मार्केट फिर नेगेटिव हुआ या बैडली गिरा, तो एक ये लेवल लो का आ सकता है दोस्तों। ये मैंने पिछला कहा था 1151, तो ये टूटा या इसके नीचे आया तो ये लास्ट जो मैंने लिखा है दोस्तों 1102 भी एक बार आ सकता है। इसे मत भूलिएगा। अगर इसे आप ध्यान रखेंगे तो आप जो इन्वेस्ट करेंगे अनुशासित होकर इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि मैं अभी भी यही कहूंगा दोस्तों कि एक एक दो दो से ज्यादा शेयर आप मत खरीदिए। हाँ, जहां जब ये लेवल आए तब आप 2 से 4 शेयर लेने का विषय करें तो कोई समस्या की बात नहीं है। लेकिन ये जैसे जैसे यहां मार्केट ऊपर जा रहा है, आप संख्या 1 या 2 से ज्यादा बिल्कुल ही ना करें। लेकिन जब ये भाव आ रहा है तब आप वहां 4 या 5 भी ले सकते हैं, क्योंकि अभी भी क्या है, कोरोना वायरस और इन सब बातों का विशेष रूप कहीं ना कहीं चल ही रहा है। जब तक इसका कोई निदान नहीं होता, जब तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आता है पूर्ण रूप से, तब तक डर तो पूरे विश्व में छाया हुआ है। और जिस दिन ये पूर्ण रूप से हटा तो देख लीजिए दोस्तों, उस दिन मार्केट प्राइस और IRCTC का भाव भी बहुत तेजी में आ जाएगा, वो भविष्य काल की बात हो गई। तो ये रहा आज का विवरण और बात विषय। और मैं अब चलते चलते यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो मैंने भाव कहा है आपको, इस पर आपका ध्यान रहे। 1102 लोअर साइड में जब हुआ तो इस तरह से ये भाव आ सकता है। तो अपनी रणनीति यही रहनी चाहिए कि एक एक दो दो शेयर, अगर वो बढ़ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन जब वो घट रहा है तो थोड़ा सा रुक कर, या 1 या 2 शेयर, उससे ज़्यादा मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ दोस्तों संख्या बढ़ाने की। क्योंकि अगर ये रूप भी आ गया तो वहाँ 5 भी ले सकते हैं। अब मार्केट है बुलिश जोन में आना जरा मुश्किल का विषय है, लेकिन बेरिश जोन में आने की संभावना ज़्यादा है। जब बेरिश जोन में आने की संभावना ज़्यादा है तो उस तरह से हमारा कदम भी उसी तरीके से चलना भी चाहिए। तो खास रूप से यही कहना था दोस्तों आपके नॉलेज के लिए। और भी दोस्तों, मैंने एक मैं वीडियो कल बनाऊंगा कि अगर मार्केट लगातार गिरता भी गया तो हमारी इन्वेस्टमेंट की रणनीति कैसे होनी चाहिए, वो मैं अपने अगले वीडियो में किसी और पॉइंट से जरूर कहूंगा। चलिए दोस्तों, यही कहना था। फिर मिलते हैं।